थैंक यू सो मच आयशा. कुछ क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स टू गेट द अलर्ट वाइफ दैट आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड एंड आई मस्ट स्टॉप और डाइवर्ट माय अटेंशन. एनी प्रोएक्टिव और प्रोफाइल एक्सेस स्टेप, जैसे आपको फील हो कि नहीं ये एक पॉइंट आ गया है और अब इसके बाद जो है वो मेरा स्ट्रेस लेवल आने वाला है. सो वो रेड फ्लैग क्या है और कैसे स्टॉप करें? ये देखिए ना, आपको जैसे मैंने कहा इमोशनल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, आपको पता लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी में कि अब मेरी टाइटनेस बढ़ी, एग्जॉशन बढ़ी है, मसल पेन्स हो रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के इश्यूज शुरू हो गए हैं, या मेरी एजिटेशन बढ़ी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, इफ आई एम लूजिंग कंट्रोल एंड आई हैव दिस फीलिंग आई एम लूजिंग कंट्रोल या नीड टू टेक कंट्रोल. जब आप सिम्टम्स अपने पिक करना शुरू कर देना, सेल्फ अवेयर हो, तो फिर ये आपके लिए रेड फ्लैग ही है कि योर रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी इट्स गोइंग टूवर्ड्स ओवरवेल, इट्स गोइंग टूवर्ड्स इनएबिलिटी टू कोप. तो फिर आप जो मैंने आपको कहा ना कि जैसे आपके चार हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं और एमिग्डाला है, उसको आप मेक यूज करें. कुदरत ने आपको निजाम दिया है रीसेट करने के, आप उसको मेक यूज करने का कोई तरीका है कि आप जैसे ऑक्सीटोसिन है, कनेक्ट विद समवन, पेट करें, पेट है आपका दोस्त है, एंडोर्फिन्स है, एक्सरसाइज करें, सेरोटोनिन के लिए वॉक इन द नेचर, गो आउट इन द सन, मेडिटेट करें, डोपामिन के लिए अपने आप को तो वो करें, तारीफ के कोई काम खत्म किया है को, और जैसे ये सेफ प्लेस विजुलाइजेशन है मेगडुला के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब आपको शुरू हो गया है कि बस मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मैं बहुत अभी कोई भी चीज काम करना था, नई डेडलाइन मीट हुई, एकदम से हो गया, एकदम से आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ्स, ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेस. कोई भी स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, ट्रिगर आई, डीप ब्रीथिंग करें, थोड़ी देर बैठ जाएं, अपने आप को प्यार करें, सेल्फ सूदिंग करें, सेल्फ अफर्मिंग सेंटेंसेस करें, अपने आप को कहें इट्स ओके द वे आई एम, I'm okay. I don't have to be perfect. I don't have to meet this deadline. मैं हमेशा करती हूँ, अगर दो दफा नहीं की तो क्या हो क्या. ये जो है ना cutting some slack for our own selves. Self compassion is very important. अपने harshest judge और critic होते हैं हम. अगर हम थोड़ी सी मोहब्बत कर लें ना अपने साथ, self compassion से अपने आप को देखें, तो हम calm down हो जाते हैं in the moment. वो यही वाली बात है कि self place dance, gratitude list. Knowing what, अच्छा ये चीज गलत होगी, कोई एक चीज अच्छी भी होगी पूरे दिन में, मैं उस पर फोकस करूँ, मेरी बॉडी खुद ब खुद जो ब्रेन जो है ना कनेक्ट करेगा बॉडी से और कामिंग हार्मोन्स निकल के मुझे काम डाउन कर ली खुद ब खुद ही. सो व्हेन आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड या आई एम गोइंग टुवर्ड्स ओवरवेल्म्ड, दीज आर द स्टेप्स जिनको हम करके अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं. थैंक यू सो मच आयशा. एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में और वो ये है कि जब आप यू नो एक फीलिंग होती है कि कोई किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपने उसके साथ अच्छा किया है, बट इन रिटर्न समहाउ आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई हैं. सो वो जो एक लोग हमेशा कहते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट. सो बहुत सारे लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट कर लेते हैं, बट कुछ लोग फॉरगिव करते हैं फॉरगेट नहीं कर पाते. सो दैट स्टिक्स इन योर ब्रेन और वो कहीं ना कहीं यू नो एक चीज आपके अंदर जमा होती रहती है, फिर एक पॉइंट आता है कि वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है. सो फॉरगिव एंड फॉरगेट जो है आपकी ये जो साइकोलॉजी है ये मेडिकल फील्ड में, कितना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि फॉरगिव और फॉरगेट करें, और क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है, क्या ऐसा वाकई होता है कि हम फॉरगेट कर सकें? बिकॉज आई थिंक इट्स डिफिकल्ट. फॉरगिव करना आसान है, फॉरगेट करना मुश्किल है. और अगर कोई इसमें स्टक हुआ हुआ है तो वो उस चीज से अपने आप कैसे निकाल सकता है? ओके, इसको लेट मी रिलेट इट विद अ बिट ऑफ मेडिसिन, बिट ऑफ साइकोलॉजी एंड बिट ऑफ इस्लाम तीनों चीजों से. देखें, हम कहते हैं साइकोलॉजी में देयर इज अनफिनिश्ड बिजनेस. अगर आपको किसी से वो ये होता है ना कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, वो होते ना थिंग्स इन माय कंट्रोल, थिंग्स नॉट इन नॉट माय कंट्रोल. किसी का क्या रिस्पॉन्स है उससे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन वो जो बात होती है कि वो रहेगी हमारे साथ बात, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ी, हमने दबा दी, किसी तरह से हम हर्ट हुए, जो भी हुआ वो अनफिनिश बिजनेस रह गया. जब आपने देखा ना बच्चे कभी लेगो खेलते तो वो ब्लॉक्स बनाते जाते हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में ना अनफिनिश बिजनेस के ब्लॉक्स बनते जाते हैं, फिर वो टावर्स जो है ना गिरते हैं, बॉडी में आते हैं साइकोसोमेटिक. वो हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी में कि व्हेन यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ अनफिनिश बिजनेस, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई, लोगों से हर्ट हुई, कुछ भी, it is eventually going to hurt your own body, medically psychosomatic, whatever is in your mind is going to come into your body, soma, it is going to hurt your body. to forgive and forget ka rule wahan pe aata hai
या क्या के प्रिंसिपल वहां पे आता है कि इट इज नॉट फॉर द अदर पर्सन, इट इज फॉर योर ओन सेल्फ. इफ यू डोंट फॉरगिव तो आप वो रिजेंटमेंट कैरी करते रहेंगे एंड इट इज गोइंग टू इवेंचुअली हर्ट यू, नॉट द अदर पर्सन. इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन. हम जब साइकोलॉजिकली कहते हैं ना कि फॉरगेट इज समथिंग, देयर इज फॉरगिव, फॉरगेट, फॉरगो. फॉरगो पहले है, फिर शायद फॉरगिव है, फॉरगेट. मैंने अपना ऑर्डर भुला दिया. देयर इज थ्री वो स्टेजेस ऑफ इट, मूविंग ऑन, लेटिंग गो. लेकिन बात यह कि मैं इसको इस्लाम से ऐसे करती हूँ कि जैसे मोमिन को है ना बार बार एक ही जगह से नहीं डसा जाता. उस कॉन्सेप्ट से ले लें कि यू कैन फॉरगिव द पर्सन हु हैज हर्ट यू, और यू फेल्ट कुछ भी हुआ आपके साथ, बुरा हो गया, किसी ने बुरा किया, तो आप उनको माफ करेंगी अपनी सेहत के, उनके लिए अपनी सेहत के, और भुलाएंगे इसलिए नहीं कि दोबारा आप उसी चीज से दोबारा हर्ट ना. ये योर चॉइस. कुछ लोग भुला भी दे, फॉरगेट भी कर देते, दैट इज देयर चॉइस. इट इज अ पर्सनल प्रोसेस के व्हेन यू सिट विद इट कि आपका क्या हुआ, तो देयर आर थ्री स्टेजेस, फॉरगो, फॉरगिव, फॉरगेट. तो वो थ्री स्टेजेस से आप गुजरते हैं. तो उसको अगर आप इस एंगल से देख लें कि यस, मोमेंट के लिए अलर्ट रहना भी जरूरी होता है कि एक ही एंगल से दोबारा दोबारा नहीं आप डसे जा सकते एक ही जगह से. उससे फॉरगेट चलो आप थोड़ा सा ले लें, मेरी कम अकल में, मुझे इतनी ही बात की समझ है. बट यस, साइकोलॉजिकली जो अनफिनिश बिजनेस है, इट इज गोइंग टू बिल्ड अप रिसेंटमेंट्स एंड इट इज गोइंग टू हर्ट माय ओन सेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स. फॉर माय ओन सेल्फ आई हैव टू एड्रेस द बिजनेस. जो कोई बात हुई है, अगर मैं उसको एड्रेस कर सकूँ, पे अटेंशन कर सकूँ, कंट्रोल नहीं होगा मुझसे, अटेंशन दे दूँ उसको, एड्रेस कर लूँ उस टॉपिक को. If I can solve it, कोई workable solution निकाल सको, okay. If I cannot, I forgive. This for my own sake. Absolutely, yes. मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि yes, first जो है वो आपको अपने ऊपर अपनी priority देखनी है कि आप जो है वो important है, दूसरा बाद में है, right? और ये सारी चीजों में हमें इस पे focus करने की जरूरत है. अच्छा, एक question है anxiety से related. एंग्जाइटी जो है वो के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आपके घर आने वाले हैं, कोई आप पार्टी थ्रो करी हैं, या डिनर है, या लंच आपके घर पे होने वाला है नेक्स्ट डे, तो भी हालांकि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपने सब कुछ किया, फिर भी आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि सब कुछ सही हो जाए, मैनेज हो जाए. इसी तरह डेडलाइन, आप वर्क से रिलेटेड जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन करीब है, तो इवन दो कि आप जो है वो अपना सारा उसमें मेहनत कर रही हैं एंड यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स, और वो टाइम पे लग रहा है कि आपको हो भी जाएगा, स्टिल आपको एक एंग्जाइटी हो रही होती है. कुछ लोगों को तो एक्सट्रीम पैनिक अटैक भी हो जाते हैं. एंग्जाइटी जो है मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत सबको होता है, बट एंग्जाइटी से बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आप नेक्स्ट डे वो इवेंट होगा लेकिन आप रात भर जाग रहे होंगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी. तो यही सेम एंग्जाइटी जो है हमारी उन बच्चियों को भी होती है हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली हैं, नए यू नो एक फैमिली में एडजस्ट होने जा रही हैं. सो कुछ लोगों के लिए वो फैमिली नोन होती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली अननोन होती है. इसी तरह कुछ बच्चियां जिनकी शादियां हो गई हुआ न्यूली ब्राइड्स, या उनको थोड़ा सा टाइम हो गया है, उनको भी जो है एंग्जाइटी हो रही होती है कि टू लुक बेस्ट ऑल द टाइम एंड सबका वो केयर कर रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छी अप्रिसिएशन मिल रही हो. सो ये क्या रियलिस्टिक अप्रोचेस हैं? ऐसा एंजाइटी जब आपको हो रही होती है तो हम किस तरह से उसको यू नो एक थोड़ा सा चैनलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी बताइएगा. व्हाट आई हियर आर टू क्वेश्चंस इन दिस टू टॉपिक्स के लिए. पहला टॉपिक तो ये कि यस, एंजाइटी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक देयर इज सिग्नल एंजाइटी, देयर इज कैस्ट्रेशन एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. जो ये आप कह रही ना कि जैसे आप एक हमारी परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है कि हमने जी पार्टी थ्रो की है, तो हाउस वाइफ को होता है जी घर सजा हो, बेहतरीन खाना लगे, मैं बेहतरीन करूँ. यस ऑफ कोर्स एंजाइटी होगी और नेचुरल रियलिस्टिक है, ये हमारी बॉडी इज वायर्ड कि इस तरह से होगा. ये मेडिकली और साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वी आर वायर्ड टू फील दैट. बट द थिंग इज कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस स्ट्रेसर और द ट्रिगर इन द एनवायरमेंट. ये आई है तो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, वहां पर ये सारा आता है कि lack of sleep is हमें inability to cope करेगी, bad diet, diet ही ठीक नहीं, आपकी vitamin B12 deficiency चल रही है, सिर्फ fried food खाई जा रहे हैं, तो जब stress आएगी ना तो हमसे handle भी नहीं होगी, या anxiety आएगी तो handle नहीं होगी. good diet is very important,
गुड स्लीप, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपके हैप्पी हार्मोन्स निकालते हैं, वो हार्मोन्स ही आपके इन सारी एंजाइटीज को डील करते हैं, एंडोर्फिन्स हो गए, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सारे डील करते हैं व्हेन द सम स्ट्रेस और एंजाइटी कम्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो भी जिन्होंने कोई असाइनमेंट देनी है एकदम से, तो कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा सेफ प्लेस विजुलाइजेशन कर लें, डीप ब्रीदिंग कर लें, सेल्फ सूदिंग कर लें, और फिर इन द एंड ये रियलाइजेशन की सर्टन थिंग्स आर इन माय कंट्रोल, सर्टन थिंग्स आर नॉट इन माय कंट्रोल। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिनर, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस असाइनमेंट, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस मीटिंग। अब कुछ वहां पे क्या होगा, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में, वहां सेल्फ सूदिंग, सेल्फ अफर्मिंग मैंट्रास, दीज आर द टूल्स, टूल बॉक्स जो आपके दैट हेल्प यू डील विद द स्ट्रेस और एंजाइटी इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, बाकी जो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि यंग बच्चियां जो जिनकी शादी होनी है या जिनकी हो गई है, तो ऑफ कोर्स मैरिज के बारे में तो यही है ना कि इट्स अ गैम्बल, यू डोंट नो आपके लोगों में जा रहे हैं। तो एक तो वो बीइंग अ मुस्लिम मदर, मुस्लिम हम लोगों को ये होता है कि हम दुआ देते हैं बच्चों को नेक लोगों में अल्लाह भेजे, उनके नेक नसीब करे, नेक लोगों में मिलाए, अच्छे लोगों में मिलाए। बट देन ऑफ कोर्स आपको बच्चियों को इन चीजों पे ट्रेन करना है कि हेल्दी बाउंड्रीज and self-respect and respecting others, two things very important. कि आप दूसरों, हम लोगों को कहा जाता है बस जी बेटे 5 साल ते या 7 साल ते जी जी करना है ते नमाज नहीं करती, गलत अप्रोच है। मैं कोई अब्यूज़ हलाल नहीं है। हम लोगों को हम कहते हैं खुदा न खौस्ता, हम डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट पे जाते हैं कि खुदा न खौस्ता कोई बड़ी बात ही हो जाएगी अगर हमने, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करवाओ बच्चियों को, ये सिखाएं, ये नहीं कि सिर्फ हम मेरे ही राइट्स हैं भाई, मेरे कुछ फराइज भी हैं और कुछ मेरे हकूक भी, ये हर बच्ची को समझ होनी चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज, ये अपनी सेहत और अपनी इज्जत नफ्स और अपनी जो भी आपकी वैल्यूज हैं इंटरनल वैल्यूज, शादी का मतलब नहीं कि आपने उनको छोड़ दिए, वो साइड पे हो गई, हाँ शादी का मतलब ये है कि आप एक और बंदे के साथ, एक और फैमिली के साथ जा रही हैं, एक और बना रही हैं, एक नया चैप्टर खोल रही हैं। डोंट फॉरगेट योर ओन सेल्फ इन दैट, डोंट फॉरगेट योर ओन सेल्फ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी जहाँ पे आपने नो कहना है, जहाँ पे यस कहना है, वो विद आपकी अच्छी तरबियत, जो आपकी इंटरनल वैल्यूज, जो आपको एक कल्चरल सोशल रिलीजियस वैल्यूज दी गई, इंटरनल वैल्यूज दी गई फैमिली की, उसको लेकर चलें। माओं को एक्चुअली बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि हेल्दी बाउंड्रीज हों, अपनी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करवाओ, फिर कोई भी रिश्ते में ना जो है वो इंसान बैलेंस सीख ही जाता है, बैलेंस करना सीखना होता है। दैट्स इट, दैट्स आई थिंक आई कैन से कि स्ट्रेस तो आती है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की हेल्दी बाउंड्रीज की, आई थिंक ये बहुत अच्छा लेसन है। आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स, एज मदर्स, वी नीड टू इंस्टॉल दीज वैल्यूज एंड दीज learnings in our daughters as well, के yes, healthy boundaries हैं, आपको respect अगर earn करनी है, respect देनी है, respect मिलती भी है इंशाल्लाह। एक last question मैं लूंगी, किरण नूरुलैन पूछती हैं, negative लोगों को कैसे avoid करें, do we give them a shut up call or just ignore, क्योंकि इनमें से कोई भी काम आसान नहीं है। I think it's a big topic, लेकिन थोड़ा सा इसको बताइएगा। हेल्दी बाउंड्रीज में ही आ जाता है ये समहाउ, इवन यू देयर, हर तरह की एनवायरनमेंट आपकी जो है ना, हर तरह के लोग, कुछ हेल्दी लोग हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं, हर कोई अपने बैगेज के साथ आ रहा है। सो देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। इसमें यही चीज आ जाती है कि बीइंग असर्टिव, फर्म बट पोलाइट, मुझे अपना कुछ पता है, मेरे से अगर कोई एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, आई हैव द राइट टू से नो। अगला बंदा उसको कैसे परसीव करता है, नो ले लेता है, ठीक है, नहीं लेता तो ये उसकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है, मुझे शुड नॉट अफेक्ट मी। तो जो आपके नेगेटिव पीपल हैं अराउंड, फर्स्ट तो आप अपनी बाउंड्री असर्ट कीजिए हेल्दी तरीके, फर्मली बट पोलाइटली। डोंट फॉरगेट कि आपको, यू हैव टू बी पोलाइट बट यू हैव टू बी फर्म इन इट, अपनी असर्ट कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि उसका असर नहीं हो रहा, कुछ को समझ नहीं आ रही है, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, और फिर आप किनाराकशी, बेस्ट वे है किनारा कशी कर लें उन लोगों से, क्योंकि इस्लाम में भी है ना, जाहलों के मुंह नहीं लगना चाहिए, फिर आप झाड़ लें, साइड हो जाएं। हमें देखिए हर चीज प्रैक्टिकली इस्लाम ने भी बता दी, ये फिर आप साइड हो जाएं।
एब्सोल्युटली, लेकिन अगर वो लोग आप ही के घर में रहते हो तो फिर कैसे किनारा खुशी अख्तियार करें? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. अच्छा, अब आपकी एनवायरनमेंट में, बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं, से फॉर एग्जांपल स्टीरियोटाइपिकल कर लेते हैं, मियां है, बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही नेगेटिव. मियां है या बॉस है, यू नो, आप भी बिलीव कर सकते हैं. बॉस है या कोई टीचर है, फॉर दैट मैटर आप स्टूडेंट है, कोई टीचर है, बहुत नेगेटिव. तो फिर देखें, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, मैं ये कहूंगी, अगर मियां है तो उसके लिए मैं ये कहूंगी, अगर खुदा न खास्ता आपको फिजिकल या वर्बल या इमोशनल अब्यूज का सामना है, तो देखें शायद ये बात अच्छी. मैं फिर कहूँ कि अब्यूज हलाल नहीं है, यू हैव अ चॉइस टू मेक इन लाइफ. इट्स नॉट ईजी. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम कर सकते हैं तो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली. ठीक है, जो औरतें अगर घर में भी रह रही हैं तो उनको कुछ तो मिलता होगा कि ये मेरी ग्रोसरी का खर्चा है, ये उसमें से थोड़ा सा अपना निकाला करें, अलहदा रखा करें, जोड़ने की आदत डालें. थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट औरतों को बेहतर करनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि इन एनी टाइम उनके हाथ में कोई थोड़े अपने लिए पैसे अलहदा, हर वक्त उनको किससे मांगने की जरूरत नहीं. और अगर कोई कमाने वाली खातून है तो ऑफकोर्स वो तो वो है. फिर यही वाली बात है कि अगर आपकी इमीडिएट एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव पीपल हैं तो फिर आपको उसी से चलना है कि मैंने अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाई. अगर वो दे आर एबल टू एक्सेप्ट दैट, ओके. इफ दे आर अनएबल टू एक्सेप्ट दैट, देन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं. अब ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, अगर किसी एक सिचुएशनल डिस्कस किया जा सके, फलां सिचुएशन में मैंने अपनी बाउंड्री बनाई, उनको असर नहीं हुआ, हाउ डिड दे परसीव मी, हाउ डिड दे चूज टू रिस्पॉन्ड टू मी, आगे उन्होंने क्या कहा, तो वो उनकी चॉइस है. हम ना एक, मैं अपने क्लाइंट्स को एक काम करवाती होती हूँ कि पोटली होती है ना, जैसे पुराने जमाने में पोटलियों में लाके कपड़े में चीजें बेचते थे, उसको उठा के साइड पे रखें, ये लोगों का बैगेज है, हमारा नहीं है, जो हमारे साथ करें ना उसको चाहिए. ये करना मुश्किल है, कहना आसान है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच डूएबल. जब द डे आई लर्न या कोई भी के इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबकी इमोशंस या सबकी वेल बींग जो है ना वो मेरी ही, उनकी इमोशंस, उनकी थिंकिंग, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ आई एम नॉट डेलिबरेटली क्रॉसिंग एनी बाउंड्रीज ऑफ समवन और डिसरिस्पेक्टिंग देम, तो वो आगे कुछ भी मुझे परसीव कर लें, वो उनके ही कंट्रोल में, आई कैंट हेल्प इट. जब हम अपने आप को ना ये वो क्या कहते हैं, शायद इजली सेट एंड डन बट डूएबल, स्टिल डूएबल, मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करें कि इंसुलेटिंग अपने एक शीट बना ली है, इसमें मेरी बाउंड्रीज, मेरी इनर वैल्यूज है, मैं लोगों की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं किसी की बाउंड्रीज खराब नहीं करी और मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ. कोई अगर उसके रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो जो मर्जी कहे, फिर मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगी. मतलब ये मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि कोई कहे ना यू हर्ट मी इज रॉन्ग, यू कैन नॉट हर्ट मी, आई हैव अ चॉइस टू रिस्पॉन्ड हाउ एवर टू वट एवर यू सेइंग टू मी और डूइंग. इफ यू आर सेइंग बैड थिंग्स टू मी, इट इज माई चॉइस टू फील हर्ट, और इट इज माई चॉइस टू थिंक अबाउट इट कि इज इट मी, इज इट ट्रू अबाउट मी. क्यों कह रहे हैं, कहते रहिए, इनकी मर्जी, वहाँ साइड पर रख दूँ, द बैगेज हियर, टोटली हियर. I choose not to feel hurt in that moment when you're saying something to me. This is how we deal with negative people around us. थैंक यू सो मच आयशा. ये जो आपने बैगेज वाली बात की ना कि उसको साइड पर उठा के रखते हैं, आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त टिप है हम सबके लिए कि हम अपने अपना जो बैगेज है या अपना जो पर्स है या जो बैग है उसमें एक फिल्टर लगा दें और ये देखें कि हमें क्या चीजें जो है वो उसके अंदर डालनी है और क्या चीजें जो है हमें उसमें डालनी ही नहीं है. सो दैट वजन तो हमें खुद ही कैरी करना है, तो इट्स बेटर है कि हम उसको लाइटर कैरी करें. और ये आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस और टाइम के साथ आता है. रिलेशंस जो होते हैं वो हर एक के लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आप सीखते हैं और टाइम के साथ साथ वो रिफाइन होते चले जाते हैं. अल्लाह ताला ने इसी तरह से सारे रिलेशनशिप्स बनाए हैं, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स के. जितना ज़्यादा हम उन्हें समझते हैं, जितना ज़्यादा वो हमें समझते हैं. मतलब आप वर्क रिलेटेड ले लें, हाउस रिलेटेड ले लें, ऑफिस रिलेटेड ले लें, उसमें टाइम लगता है और फिर जो है वो समझ आपके अंदर आ जाती है. थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर आयशा, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था. आई पर्सनली ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. वी आर प्लानिंग टू हैव दीज सेशंस बाय मंथली, ट्वाइस अ मंथ डॉक्टर आयशा के साथ टू बिगिन विथ. और इफ देर इज एनी टॉपिक दैट यू वुड लाइक अस टू कवर, वुड लाइक डॉक्टर आयशा टू टॉक अबाउट, और इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस you can ask. I'll be sharing the Dr. Aisha's contact details on our page, that is facebook.com/wowpkcommunity.
आप उन्हें पर्सनली भी एक्सेस पर्सनली भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, और जो है अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, समझना है, या उनके सेशंस लेने हैं, वो भी आप कर सकती हैं. सो नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे होना चाहिए, अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है तो ज़रूर हमें कमेंट्स पे मेंशन कीजिएगा. थैंक यू सो मच आयशा, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी ज़बरदस्त हमसे बातें करी. जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. गुड डे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.